गाइस पूरा माहौल बन चुका है सामने, रुको दिखाता तुम लोगों को। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाइयों एक नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह। तुम्हारा भाई जल्दी आजकल उठने लगा है नए साल में, एंड तुम भी जल्दी उठा करो। करता कुछ नहीं वैसे, लेकिन नए साल में जल्दी उठने लग गए तुम्हारे भाई लोग। आई होप तुम सब अच्छे हो गए, मैं भी बढ़िया हूँ। और बाय द वे आज का दिन बड़ा मौसम अजीब सा है, आज एकदम बारिश का मौसम है, हवाएं चल रही है, पता नहीं क्या है। और बाकी सब तो सर देखते हैं, वो तो हमको पहले से पता नहीं रहता है। इतनी एडवेंचरस लाइफ है नहीं हमारी जितनी हम सोचते हैं, बोरिंग ही है, लेकिन क्या करेंगे, अब कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा ना। जहाँ कहाँ हवाएं हवाएं ले जाए, जहाँ कहाँ हवाएं। ठंडी लग रही, माँ की चूत, भागो। मम्मी मैं थक गया। ओह एक्सप्लिसिट कंटेंट। मम्मी मम्मी मैं थक गया। स्पैंक मी, स्पैंक मी बेबी। मम्मी क्या लगता हो ये दादी, दादी कहने के तो हो ही है, अपन डिजाइन किया जाएगा कभी तो कहने के तो हो ही है। सुना ना भाई, काबू कहने के तो हो ही है। एटीएम दे दे बेटा, कहने के तो हो ही है। रुक ना बेटा, कहने के तो हो ही है। अच्छा लग रहा है, पहले हो ही है बोलो, हो ही है। मेरे को नहीं हो ही है बोलो, पहले हो ही है बोलो। होय होय हो ही है, हो ही है कहने के तो हो ही है। रुक ना बाबू, पहले हो या बोलो। मम्मी आप बोलो ना एक बार, चलो ना। हेलो ना पास वो। हाँ हाँ मम्मी मम्मी बोलो ना, कहने तो वही है। अरे हट, इतना ना बोल ले ला, दूसरा दिमाग खराब कहने तो वही है। मम्मी मम्मी लड़का पागल हो गया, इसको मम्मी बोल देंगी तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं मेरे को बोलना ही नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे लिए मेरे खातिर सॉरी, रिक्वेस्ट प्लीज। एटीएम दा दिया सही है। मम्मी बोलो ना। चलो मम्मी बाय बाय। तो गाइस आज के लिए मेन कंटेंट बताया तुमको क्या है कि आज जैसे पिछला व्लॉग देखा होगा तुमने कि कलश यात्रा थी प्रभु श्री राम की, तो वैसे आज हमारे कॉलोनी में बेसिकली है क्या, बेसिकली चीज़ आज ये है राम जी की पालकी निकाल रहे हैं। वही चावल थोड़े थोड़े इन्विटेशन के तौर पे राम जी की फ़ोटो के साथ वो करने के साथ, तो कैसा है बहुत मतलब निकलेगी अच्छी खासी पालकी निकलेगी। तो उसके लिए ना तुम्हारे भाई के घर वाले मतलब मेरे घर वाले, बेसिकली मेरे घर वाले और पापा का एक दोस्त है, वो मिलके 15 लीटर या 20 लीटर के दूध, वो नहीं है तुम्हारे इधर भी होता होगा ऐसे कुछ, जब पालकी वालकी निकलती होगी तो जब वो लोग आते हैं तो प्लेट में दूध दूध देते हैं उनको। वो चलते रहते हैं ना, जैसे बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे एक प्रभात फेरी में देखा हूँ मैंने, सिंधी लोग अगर देख रहे होगे तो उनको भी पता होगा। तो ऐसे तुम्हारे घर पे भी ऐसे ही मतलब वही है, पालकी के लिए भी हमारे यहाँ पे दूध अगर लोगों को दिखाता हो तो उनको पूरा 15-20 लीटर का सिस्टम है वो चल रहा है। रुको दिखाता हूँ, टेस्ट करके भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। अरे वो दही का पीपा, दही का पीपा खाओ, खाओ दही का पीपा। और कितना लीटर होंगे ये? 20 लीटर होगा, 20-25 लीटर हाँ 20 है शायद, 20 है। लाया हूँ ना सुबह सुबह, केसर कम पड़ गई शायद, शायद ला रहे केसर। गाइस पूरा माहौल बन चुका है सामने, रुको दिखाता तुम लोगों को। मेरी आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी, भीड़ लगने वाली है अभी थोड़ी देर में। हीरोइन जा रही बाय, जल्दी जाओ। मैं तो अभी जा ही नहीं रहा, मेरे को तो काम है थोड़े। तो गाइस तुम्हारा भाई हो चुका है नहा धो के रेडी, जबरदस्ती का मैंने ज़्यादा चिल्ला दिया, ज़्यादा जोश में हो गया। अभी देखना बाहर पूरी पाल फट से नहा लिया मैंने। एक तो भाई जिम भी जाना है तो अपन इतना रेडी नहीं हुआ, अपन बस स्वेट शर्ट डाल के बाहर खड़े हो गए क्योंकि लोग बहुत आएंगे। तो चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या सीन है। फिर उसके बाद जिम भी जाना है, देखते भीड़ आई है नहीं आई है। वैसे तो पालकी भगवान की सभी औरतें सभी आदमी लोग आ ही गए होंगे। चलो देखते गाइस, लेट्स गो। बाहर पालकी आ गई। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम भगवान जी की पालकी भी जा चुकी है। बाय द वे गाइस, मेरे फ़ोन में आज चार्जिंग नहीं है, नहीं तो आज पक्का जिम के क्लिप्स आने वाली थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जिम की क्लिप्स अगले व्लॉग में आ जाएगी। मैं वहाँ से आता हूँ, फिर व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो, मैं आता हूँ जिम से। चलो गाइस, मिलते हैं। भाईओ फाइनली आई एम बैक होम। लेग्स थे भाई, ख़त्म हो गया, मेरी तो पूरी एनर्जी डाउन हो गई है भाई, हिम्मत नहीं है मैं कुछ बोल भी पाऊँ भाईओ, ख़त्म हो गया पूरा लेग्स। अब उठूँ भी कैसे, मैं आके तुरंत लेट गया यार, इतना भयंकर लेग्स, ओ माय गॉड, इतने खतरनाक लेग्स नहीं मारे यार। अभी यार जाते हैं, कुछ खाते हैं, भूख लग रही है। इस तुम्हारा भाई निकल गया एकदम धांसू तरीके से बाहर, और बाहर आ गया है। आयुष जी का वेट कर रहे हैं घर के बाहर, हमेशा से ये वेट कराते हैं भाई दोस्त तुम्हारे। वैसे तो गया मूत ने, इतना मूत लगता है क्या किसी को, मूतता रहेगा, हकता रहेगा। अभी कैमरा चालू कर दूंगा तो कुछ बोलेगा ही नहीं भाई, ऐसे पीठ पीछे बड़ी बकचोदी करेंगे। अभी देखते हो, आने तो बाहर, अपन दिखाएंगे वो कुछ बोलेगा तो सही, वो तो नहीं बोलेगा, वो तो कन्फर्म है, आने दो। चल मैं तेरा सिनेमैटिक्स लेता हूँ एकदम भयंकर। चल बैक अच्छे से बैक करके, ये तू सोचा गाड़ी में घुमाऊंगा, नो चांस, तेरे को पैसा उड़ाऊंगा। भाई आज तेरे को ढेर है कि तेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए या पट्टी चाहिए। जो पट्टी तू चाहता हो जिंदगी में, दोनों तेरे बाप का राज है कि तेरे को दोनों देगा कोई। चल कर एक चीज तेरे को 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, नहीं तो जिंदगी में तेरे को कोई एक पट्टी चाहिए होंगी। 100 करोड़ क्यों? पट्टी नहीं क्यों? रीजन मोटी चैन मोटा पैसा। अरे बस कर भाई, और पागल करके पीछा छोड़ दे। वैसा ही चाहिए मेरा, वैसा चाहिए मेरा, बोल दे एक बारी, वैसा ही चाहिए मेरा, रोना नहीं आता जल्दी। मेरा वैसा नहीं है, लेकिन मेरा तो देखो क्या चाहिए मेरे को। देखो भी 100 करोड़ चाहिए भाई, मैं लड़की लूंगा, मेरे को प्यार इम्पोर्टेंट है। पैसे क्या है, पैसे मैं कमा लूंगा, असली में जब आएंगे ना तब एक बार रिकॉर्ड करना और फिर यही बात बोलना। 100 करोड़ में कमा लूंगा, लेकिन मेरा प्यार नहीं जाने को। तुम कैसे लालची लोग हो, तो भाई प्यार है ही नहीं ना, इसलिए 100 करोड़ लेटा हूँ। तो मेरे पास भी कहा है। अच्छा, अरे लौड़े जबरदस्ती झूठ फैलाएगा, ऐसे बहुत नरम है ये भी। 50 अरे तो वो बहुत टाइम तक रहते तब कटते हैं, ऐसे जल्दी से नहीं कटते। अच्छा क्या पप्पा को बोलना, 5 हजार बस रहने दो फिक्स। पप्पा को बोल 5 लाख डाल दो मिनिमम है हर महीने। हाँ हर महीने 5। कितनी गाड़ियों की मैं भरेगा वो। हाँ पप्पा को बोल दे HDFC का वो है 5 लाख मिनिमम। भर तो रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे गाड़ियाँ कैसे बढ़ रही घर के सामने। तो पापा मैं शादी भी तो उतनी कर रहा हूँ ना, बोलते उसको गाड़ी लेनी नहीं है, उसको शादी करके लानी है दहेज में। कौन सी झूठ बोलता है, इतना झूठ। अभी क्यों झूठ बोल रहा है, तो आएंगे ना, लेकिन आएंगे ना, बिना दहेज की शादी नहीं हो रही ना तेरी, ऐसा नहीं है। वो जो रील में वैसा क्या कि नहीं मैं नहीं पहनाऊंगा, हार नहीं पहनाऊंगा, पहले फॉर्च्यूनर लाओ वो। अबे बहुत सारी वीडियो आई है भाई ऐसी, आज भी देखा मैंने, नीच लोग उसको मारे भी दूल्हे को। मेरा एक एपिसोड बचा है बहनचोद, मेरी तो कोई और आज जिसने पहली बार देखा होगा उसकी तो बूंद कांप गई। बताया था ना मेरे को, क्या पहली बार देखा ना? अरे नहीं लौड़े, जिसने मतलब उनको लटके हुए देखा होगा, देखा नहीं क्या? एक वो पुलिस वाला था ना, पुलिस वाला पहुंचा, कोई एक सिंगल जन आदमी गया तो समझ गया ना, गया था। अबे तू सोच के सबसे पहले मैं मेरी तो गांड कांप जाए, मैं तो भागू इधर उधर। मैंने जो असली फोटो देखा था ना, जो लटके वाली थी, अगर वो उसने असली में देखा था ना, तब अकेले ने तब बहुत गंदी। भाई तू सोचना भाई क्या गया, मैं तो सोचने में मेरे को ऐसा लग रहा, लोग लटके। मैं तो रात में देखा था, साथ में तीनों, अकेले देखा लौड़े। अरे डर का महावीर जब नाम सुनावे। अरे देखो एक चैलेंज देता हूँ, एक वो देता हूँ, अच्छा बोलना कुछ, ठीक है? कि मैं तेरे को 100 करोड़ दूंगा, या तो कोई एक अच्छी लड़की दूंगा जो तू चाहता है, ठीक है? अरे लौड़े रीजन, रीजन अच्छा देना कि मेरे को कंटेंट चाहिए। अच्छा बोल कुछ मजा है। वो लड़की थोड़ी 100 करोड़ के वर्थ रहेंगी भर भी। सही बोल रहा हूं। नहीं लेकिन लड़की वैसी हो ना फिर नहीं। अरे समझ ले लड़की तेरे से 100 करोड़ लूंगा फिर बोलूंगा तू भी ले ले तो 50। अबे तो 100 करोड़ के साथ कुछ वो भी तो दे साले। 100 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया। 1 आध करोड़ बोलता है। चल 1 करोड़ ले ले जा। 1 करोड़ एक नहीं एक नहीं लेगा फ्री में भी नहीं लड़की लेगा। बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा आदमी है तू। ये हैवान पैसे लेगा। 100 करोड़ कौन नहीं लेगा? 1 करोड़ अब तो बल्टेगा नहीं तो मैं बोलूंगा ना 50 में रखूंगा 50 तू रख। अच्छा एक राखेल मिल रही है तो फिर 1 करोड़ लूंगा भाई। फिर 1 रुपए देगा फिर वो तो बीप कर दूंगा मैं। क्यों 1 रुपए देगा फिर भी ले लूंगा। क्यों 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 अभी शुरू में क्या गाली डालेंगे? क्यों 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 हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हां हैप्पी बर्थडे। मेरे को डीएम्स आ रहे थे तेरे लिए 1 मिलियन डीएम्स। वैसे ही चे बोलने मेरा वासा चे वैसे ही थे मेरा रोना नहीं आता जल्दी। वैसा चे नहीं आप रोते क्यों नहीं हो? वैसे ही चे पहले पॉज लेता है। नहीं पहले रुक जा थोड़ी देर बाद ले रुक जा। तू तो रो रहा भी नहीं। रोना नहीं आता मेरे को। रोना नहीं आता मेरे को। नहीं रोता नहीं। वासा चे आप वासा चे मेरा। तू तो रो रहा भी नहीं क्यों? अबे यार रुकना क्यों पता नहीं। नहीं एक सेकंड नीचे देख नीचे रिहर्सल ले। टेक वन नहीं टेक वन ऑडिशन है तेरे इंडियन आइडल्स के। तू तो रो रहा भी नहीं। अबे लौड़े तेरे को आता ही नहीं आगे क्यों बोलेगा जल्दी। अबे लौड़े वही बोलता अच्छा अपना जल्दी रोना नहीं आता क्यों? फिर ये बोलता अरे पाए पड़ तो वो पूछता ना हां तो बोलता ए तू रो मत भाई तू रो के दिखा। अरे ए गाइस लाइटिंग करने तेरी दोस्त है वो। आपको भी आई है क्या लाइटिंग आई है आपको? गाइस आई एम बैक होम एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। कहीं भी ब्लॉग पे अच्छा लगा हो आज की बकचोदी इतनी थी। कहीं भी ब्लॉग कहीं कैसे भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना। एंड तुम्हारा भाई देखते हैं ऐसे ही कंसिस्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाते रहेगा बकचोदियाँ लाते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय गाइज लव यू।